नमस्कार दर्शकों, क्या आपको पता है कि पहले पर्वत भी चलते थे, बात करते थे, या यूं कहें उनके भी पंख थे और भी उड़ते थे। जी हाँ, पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र मिलता है। तो ऐसा ही एक और किस्सा है जहाँ विशालता की लड़ाई में दो पर्वतों की बात इतनी बढ़ गई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश तक आना बंद हो गया। तो ये आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब दो विशाल पर्वतों के बीच झड़प हुई और फिर क्यों एक पर्वत को झुकना पड़ा, और ये सदियों का लंबा इंतजार कौन सा पर्वत कर रहा है, और आखिर क्यों। एक बार हिमालय और विंध्य में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि दोनों में से विशाल कौन है। इसके बाद दोनों ही अपना आकार बढ़ाने लगे। तब विंध्य पर्वत का आकार बढ़ते बढ़ते अत्यंत विशाल हो गया। इतना ही, इससे पृथ्वी का सूर्य प्रकाश आना अवरुद्ध हो गया और त्राही त्राही मच गई। जब मनुष्य और देवताओं ने अगस्त मुनि से प्रार्थना की कि वो विंध्य पर्वत को अपना आकार कम कर लें ताकि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके, सभी ने प्रार्थना की कि विंध्य पर्वत अब आपका शिष्य है, आपका आदर व सम्मान करता है, अगर आप उससे अपना आकार घटाने को कहेंगे तो वह आपकी बात नहीं टालेगा। सबने अगस्त मुनि से निवेदन किया कि वह शीघ्र ही विंध्य पर्वत को अपना आकार घटाने को कहें, अन्यथा सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाने की स्थिति में विंध्याचल पर्वत के पार बसे मानवों पर भारी संकट आ जाएगा। सबकी पुकार पर अगस्त मुनि विंध्याचल पर्वत के पास गए। उन्हें देखते ही विंध्याचल पर्वत ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और पूजा की कि गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिण की ओर जाना है, लेकिन बस तुम्हारे इस बड़े आकार के कारण मैं पार नहीं जा पाऊंगा। गुरु की दक्षिण दिशा में जाने की बात सुनते ही विंध्य पर्वत ने कहा कि गुरुदेव, यदि आप दक्षिण में जाना चाहते हैं तो अवश्य ही जाएंगे। इतना कहकर विंध्य पर्वत गुरु के चरणों में झुक गए। तब अगस्त मुनि ने विंध्य, जब तक मैं दक्षिण देश से वापस ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना, यह कहकर अगस्त चले गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। वहीं विंध्य पर्वत आज तक अपने गुरु के आदेश पर झुके हुए उनके लौटने की राह तक रहा है। विंध्य पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। विंध्य शब्द ही विद धातु से कही जाती है। भूमि को भेद कर ये पर्वतमाला भारत के मध्य में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला का भेद महाभारत, रामायण और पुराणों में कई जगह उल्लेख किया गया है। विंध्य पहाड़ों की रानी विंध्यवासिनी माता हैं। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बता दें कि देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल। तो दर्शकों, ये हमारी आज की जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।